टी20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था मैच नंबर 51 इंडिया जो है ना 24 रन से मैच जीत गया। यहाँ पे टॉस ऑस्ट्रेलिया जीता है बट बॉलिंग करने गया, इंडिया को बैटिंग दिया। तो देखो सबसे पहले इंडिया का भी शुरुआत सही नहीं हुआ था, 6 रन पे फर्स्ट विराट कोहली का विकेट, 0 रन पे आउट हो गया था विराट कोहली। तो विराट कोहली आउट होने के बाद आए ऋषभ पंत ने बनाया 15 रन 14 बॉल पे। इसके बाद देखो 127 पे तीसरा विकेट गिरा है जो रोहित शर्मा का था, बट तब तक जो है रोहित शर्मा 92 रन बना लिया था एंड यहाँ पे टॉप स्कोरर जो रहा इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सूर्य कुमार यादव स्काई ने बनाया 31 16 बॉल पे, शिवम दुबे ने बनाया 28 रन 22 बॉल पे एंड हार्दिक पांड्या देखो नॉट आउट रहा, 27 रन बनाया 17 बॉल पे। यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग का, मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिया था बट बहुत रन खाया 45 रन एंड हेजलवुड ने देखो 1 ही विकेट लिया बट 4 ओवर पे ओनली 14 रन लिया, इकोनॉमी सबसे कम है 3.5। पैट कमिंग ने कोई भी विकेट नहीं लिया, एडम जंपा भी कोई भी विकेट नहीं लिया बट यहाँ पे बहुत सारा कैच मिस किया ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, देखो 4 ओवर में 56 रन दिया 2 विकेट लिया। फर्स्ट इनिंग खत्म होते होते इंडिया ने बना लिया था 205 रन 5 विकेट पर 20 ओवर पे, तो 206 का टारगेट देते हुए ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया बट 6 रन पे ही पहला विकेट गिर गया डेविड वार्नर का। सेम यहाँ पे देखो अर्शदीप सिंह ने विकेट लिया था एंड यहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने जो है ना कैच पकड़ा था। तो 6 रन पे विकेट गिरने के बाद सेम इंडिया की तरह 87 रन पे मिचेल मार्क्स का सेकंड विकेट गिरा है, मिचेल मार्क्स ने बनाया था 37 रन 28 बॉल पे। तीसरा जो विकेट गिरा 128 पे मैक्सवेल का ज्यादा परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं रहा, 20 रन बनाया ओनली 12 बॉल पे। उसके बाद 135 पे चौथा विकेट गिरा है मार्कस स्टोइनिस का, स्टोइनिस ने ओनली 2 रन बनाया 4 बॉल पे। तो इसके बाद ही 150 पे फिफ्थ विकेट गिर गया ट्रेविसेट का, मेन जो बैटर था कल का जो मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, ट्रेविसेट ने बनाया था 76 रन 43 बॉल पे। यहाँ पे जो हाई स्कोरर रहा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 76 रन ट्रेविसेट बनाया। उसके बाद यहाँ पे मिचेल मार्क्स जो है 37 रन 37 रन बनाया 28 बॉल पे। उसके बाद मैक्सवेल जो बनाया 20 रन 12 बॉल पे, टोटल रन बनाया 20 ओवर पे 181 7 विकेट पर। इंडिया जो है 24 रन से 24 रन से मैच जीत गया। यहाँ पे इंडिया की तरफ से टॉप बॉलिंग जो अटैक रहा यहाँ पे अर्शदीप सिंह का, 3 विकेट लिया, इकोनॉमी 9.25, 4 ओवर पे 37 रन। जसप्रीत बुमराह का 4 ओवर पे 29 रन 1 विकेट 7.25। अक्षर पटेल का भी देखो 3 ओवर पे 21 रन एंड यहाँ पे 1 विकेट, इकोनॉमी 7 है। एंड कुलदीप यादव देखो 4 ओवर पे 24 रन दिया, 6 इकोनॉमी है एंड 2 विकेट लिया। तो अभी देखो ग्रुप 1 पे सुपर 8 का ग्रुप 1 पे इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से नहीं क्वालिफाई कर पाएगा क्योंकि अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच चल रहा है। यहाँ पे अगर अफगानिस्तान जीत जाता है तो नंबर 2 पे क्वालिफाई कर जाएगा।